लुपाजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपाजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर है, यहाँ भव्य मंदिर बना है। मंदिर से लगी हुई है ईदगाह मस्जिद, इसी वजह से इस पूरे परिसर को लेकर विवाद चला आ रहा है। इसी से जुड़ी एक खबर है, मथुरा की अदालत में 26 सितंबर को एक याचिका दायर की गई। श्री कृष्ण विराजमान के नाम से याचिका में 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व की मांग की गई, साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि जिस जगह पर आज ईदगाह मस्जिद खड़ी है, वही जगह असल में कभी कारागार हुआ करती थी, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। याचिका रंजन अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों कृष्ण भक्तों की तरफ से लगाई गई है। उनकी तरफ से पेश होने वाले वकील हैं हरिशंकर जैन और विष्णु जैन। पूरे मामले में दूसरा पक्ष है यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ शाही मस्जिद ईदगाह। अयोध्या विवाद में भी रामलला विराजमान की तरफ से एक याचिका लगाकर जमीन का स्वामित्व तो मांगा गया था, जिसका फैसला 2019 में मंदिर के पक्ष में आया था। और अब मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से याचिका लगाई गई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक याचिका में कहा गया है, मुगल शासक औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 से लेकर 3 मार्च 1707 तक भारत पर शासन किया। इस दौरान उसने तमाम हिंदू धार्मिक स्थल और मंदिर तुड़वाए। इसी बीच 1669-70 में कटरा केशवदेव मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर भी तोड़ दिया गया। केशवदेव मंदिर गिरा दिया गया और इसकी जगह मस्जिद बना दी गई, जिसे ईदगाह मस्जिद नाम दिया गया। हालांकि जब हम इस याचिका का जिक्र कर रहे हैं, इस खबर का जिक्र कर रहे हैं, तो एक और बात याद रखनी चाहिए, वो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस केस में इस तरह के किसी भी विवाद में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी जिक्र जरूरी हो जाता है। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो उसी का रहेगा। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को ही छूट दी गई थी। पिछले साल 9 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था, तो ये टिप्पणी भी की थी कि अदालत ऐतिहासिक गलतियों को सुधार नहीं सकती। फिलहाल मथुरा की इस याचिका पर कोर्ट की कोई टिप्पणी आना या मस्जिद पक्ष का जवाब आना बाकी है। आएगा तो हम आपको वो भी बताएंगे। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी अभिषेक। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आप हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। क्या अंतर है भारत के और विदेश के हायर एजुकेशन सिस्टम में, और कैसे लाया जा सकता है इसमें बदलाव?